दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना ही होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 जून को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत याचिका पर सुनवाई की। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल ने 7 दिन की जमानत मांगी थी ताकि वो अपने मेडिकल टेस्ट करवा सके, लेकिन ईडी ने कोर्ट में उनकी अपील का विरोध किया। केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, जो 1 जून को खत्म हो रही है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। ईडी का दावा है कि केजरीवाल का वजन 7 किलो घटा नहीं, 1 किलो बढ़ा है। ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबाया और अपनी सेहत को लेकर झूठे बयान दिए। उनका वजन 1 किलो बढ़ गया, लेकिन वो झूठा दावा कर रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल ने 31 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रामक दावा भी किया कि वो 2 जून को सरेंडर करने जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने कहा कि वो बीमार है और उन्हें इलाज की जरूरत है। हालांकि कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला 5 जून तक सुरक्षित रख लिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया, लेकिन केजरीवाल ने उस ऑर्डर को दबा दिया। इसके पीछे का ये है कि वो चुनाव प्रचार के उद्देश्य से यात्रा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मेडिकल टेस्ट नहीं करवाई। ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि हमें अंतरिम जमानत दाखिल करने पर भी आपत्ति है। ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल नहीं सकता।